आप सब देख सकते हैं, ये हर्ष गौतम मेरा ही नाम है। हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल से सारी वीडियोस हटा दी हैं। रीज़न भी बताऊंगा मैं आपको, एक बहुत लंबी स्टोरी है, शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मैं एक अच्छा स्टोरी टेलर नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, मैं पहले फ़ोटो एडिटिंग की वीडियोस बनाता था, बचपन से ही फ़ोटो एडिटिंग का शौक़ था। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखता औरों के, और फ़ोटो एडिटिंग करनी सीखी और फिर एक चैनल बनाया जिस पे ना कोई नाम था, मेरे नाम से था वो चैनल, और ना कोई चैनल की डीपी, ना चैनल का आर्ट, वीडियोस बना के डालता रहता था। तो एक टाइम ऐसा आया मेरी वीडियोस पे भी व्यूज़ आने लग गए, 50-60 thousand, मतलब पहले 50-60 आते थे, फिर 1000 आए, कभी कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 70,000। तो मैं डालता रहा, कभी मतलब कंसिस्टेंटली नहीं डाला, कभी महीने में 2-3 महीने बाद, कभी बस सीखता रहता था और डालता रहता था। तो अच्छा रहा मेरे 3-4 साल का यूट्यूब एक्सपीरियंस है भाई। मतलब मुझे यूट्यूब की दूसरों की वीडियोस देखनी ज़्यादा पसंद है बनाने से, बनाना भी पसंद है बहुत ज़्यादा, और दूसरों के चैनल्स को देख के मैं एनालाइज करता रहता था कि ये क्या गलतियाँ कर रहे हैं और मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। तो फिर भाई ऐसा हुआ कि मेरे चैनल एक टाइम पे ग्रो ही नहीं हुआ, एक टाइम पे तो मिलियंस में भी व्यू आए मेरी एडिटिंग की वीडियोस पे, आप देख सकते हो। मैंने अब तो डिलीट कर दिया, मतलब डिलीट करना चाहता था लेकिन मैंने प्राइवेट कर दी ताकि मैं खुद भी उन वीडियो से इंस्पायर हो जाऊँ, कभी मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी तो मैं पीछे जाके देख सकता हूँ कि मैंने पीछे ये मतलब अपने पास में ये सब करा है। बस चैनल पे पब्लिक नहीं होंगी वो वीडियोस अब दोबारा गाइस। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मेरी वीडियोस के व्यूज बिल्कुल डाउन होने लगे, मुझे 100, 200, 300 व्यूज आते थे। यहाँ पे और भी ऐसे यूट्यूब चैनल थे जो एडिटिंग की ही कैटेगरी पे वीडियो बना रहे थे, उनके भी 100-200 व्यूज आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू रखा, वो बनाते रहे। कुछ एक उनमें से आज 30,000-40,000 पर डे व्यूज़ लेके आ रहे हैं, कुछ एक के अभी भी 100-200 आ रहे हैं, कुछ एक ने छोड़ ही दिया है। मेरे जैसों ने यूट्यूब ही छोड़ दिया है जब उनका चैनल डेड होने लगा। लेकिन मेरे अंदर एक वो थी कि भाई मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ, तो मैंने अपना नीच चेंज करने की कोशिश करी, जो कैटेगरी होती है उसको चेंज करने की कोशिश करी, और मैं अलग अलग टाइप की वीडियोज़ डालने लग गया। जैसे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आई, रैप वगैरह, म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियोज़, मतलब न्यूज़ वगैरह डालने लगा, और थोड़े बहुत व्यूज़ आने लगे, मतलब कि मेरे नॉर्मल व्यूज़ से तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब 2-3 हज़ार व्यूज़ आ जाते थे, तो इस कदर कुछ कहानी रही। उसके बाद अब मेरी कुछ महीने पहले भी एक वीडियो वायरल हुई व्हाट्सएप डार्क मोड करके, उस पर 2.5 लाख कुछ व्यू आए। उससे पहले भी जैसे किसी की डेथ हुई तो मैंने उस पर बना दी थी वीडियो, एक रेप केस हुआ तो उस पर ब्रेकिंग न्यूज़ की वीडियो बना दी थी, लेकिन वहाँ पे मेरे व्यूज़ भी आए 10-15 हज़ार उनसे, मतलब जो मेरी डार्क मोड वाली वीडियो थी व्हाट्सएप, उस पर मेरे को कम से कम 200-300 सब्सक्राइबर मिले। लेकिन मेरे चैनल एनालिटिक्स, जो चैनल से हम आपका यूट्यूब चैनल होता है उसमें जाके देख सकते हो कि कितने बढ़ रहे हैं कितने घट रहे हैं, तो मैंने क्या देखा कि मेरे जितने बढ़ रहे थे उससे ज़्यादा तो मेरे सब्सक्राइबर घट रहे थे। मुझे कभी भी ये वजह नहीं पता चली कि मैं क्या कंटेंट में ऐसी कमी ला रहा हूँ कि जो मुझे लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, पर एक बार दिल बोलता था कि तू ही कुछ गलत कर रहा है। तो मैंने जानने की कोशिश की, मैं वीडियो डालनी छोड़ देता था, मैं डिमोटिवेट हो जाता था कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा तो मैं क्यों डालूँ। गलती मेरे से ये रही कि मैं अलग अलग टाइप की वीडियोज डालता रहा और ना कभी कंसिस्टेंट रहा। उसके बाद मेरी एक मेंटेलिटी ऐसी बन गई कि मैं अब वीडियो डालूंगा तो एकदम अच्छे लेवल की, और मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से, लेकिन डालूंगा इस चैनल पे नहीं क्योंकि इस चैनल के इंप्रेशन ख़राब हो चुके हैं, मतलब कि वो वीडियो शो करता है जिन लोगों को वो क्लिक करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। तो गाइज फिर मैंने ऐसा सोचा कि मैंने चैनल बनाया नया, तो उस पर 2-3 ब्लॉग्स डाले, 4-5 ब्लॉग्स बनाने में बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम स्पेंड करके एक स्टोरी टेल की मैंने, 2-3-4-5 उन पे भी 100-150 व्यूज़ आए, वो भी शेयर किए हुए। तो उसके बाद भी दिल दुख गया। फिर और भी ऐसे 2-3-4-5
5-6 चैनल्स मैंने क्रिएट कर दिए, अलग अलग कंटेंट बनाता रहा, व्यूज़ नहीं आए छोड़ दिया, फिर अलग बनाता रहा। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि भाई तू पागल हो गया क्या, जो तू चैनल पे चैनल बनाया जा रहा है और तू अपना पुराना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं यूज़ कर रहा, उस पर क्यों नहीं वीडियो डाल रहा। भाई मेरे मैं जानता हूँ ना ये बात कि मैं वहाँ पे वीडियोस भी डाल रहा हूँ और मेरे को व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। इतने मतलब मेहनत करके ये यूट्यूब चैनल बनाया, मतलब कि मेरे एक टाइम पे 80,000 सब्सक्राइबर पे मेरे यूट्यूब चैनल की ग्रोथ रुक गई थी। उसके बाद भाई हर किसी को 80,000 या 60,000 कुछ करके, तो हर किसी के मन में यूँ होता है कि 60,000 या 70,000 सब्सक्राइबर तक पहुँच ही गए हो तो अब 1 लाख करके तो छोड़ोगे। तो भाई एक मन में लालच भी आ जाता है कि क्या करें, ऐसे कैसे व्यूज़ पाए। एक अंदर से एक अलग तरह की क्रेविंग हो जाती है भाई, एक डिज़ायर कि भाई ये तो चाहिए ही है, 1 लाख सब्सक्राइबर तो अब कैसे भी करने हैं। भाई इतना दिमाग ख़राब हो गया था, तो मैं वीडियोस बनाता रहा। फिर MEB और जो MC Stan थे उनकी बीफ हो गई थी, तो उस टाइम पे मैंने वीडियोस डालनी शुरू करी उनके इंस्टाग्राम की, लाइव की, ये वो। तो ऐसे ऐसे करके व्यूज़ आते रहे, मेरे व्यूज़ बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे, और मैं उन्हीं टॉपिक पे डालता था। और फिर मेरे दिमाग में आया कि इस बीफ का फ़ायदा उठाते हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं गलत काम किया कि मैंने दूसरे पुराने रैप सॉन्ग्स, बहुत पुराने रैप सॉन्ग्स को डिवाइन MEB के नाम से टाइटल करके एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल बना के अपलोड कर दिया और लोगों को पसंद आने लगा। ऐसे ऐसे करके फिर मैं वीडियोस डालता रहा। यहाँ पे MEB ने जब डिवाइन की बात करी थी तो डिवाइन रिप्लाई नहीं दे रहे थे, तो उस टाइम में भी मैंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मैंने डिवाइन का ही एक गाना, डिवाइन का वन साइड था शायद, वही गाना मैंने टाइटल चेंज करके अपने इस यूट्यूब चैनल पे डाला, और जिसके कारण मुझे 3 मिलियन व्यूज़ मिले। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इतनी तेज़ी से सब्सक्राइबर व्यूज़ मिल रहे थे, और वो वीडियो हफ्ते 2 हफ्ते मतलब 3 हफ्ते तक शायद रही थी मेरे चैनल पे। उसके बाद स्ट्राइक आ चुकी थी डिवाइन की ओर से, या डिवाइन की जो कंपनी है, मैनेजर है उनकी तरफ से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने उसके बाद ये डर सा रहा कि अगर मुझे 2-3 और स्ट्राइक आ गई तो मेरा चैनल जाएगा, तो मैंने वहाँ पे जितनी भी रैप से रिलेटेड वीडियोस थी मैंने सारी डिलीट कर दी। उनमें से मेरी भी थी एक, मतलब उनमें से कई मेरी भी थी, मतलब जिनका कोई ओनर ही नहीं है कंटेंट का, वो वीडियोस मेरी भी थी, मैंने वो भी डिलीट कर दी। फिर भाई वो सब डिलीट करने के बाद फिर से वीडियो डालनी शुरू करी, तो भाई चैनल बिल्कुल ही डेड हो चुका है, बल्कि और व्यूज ही नहीं आ पा रहे थे। उसके बाद फिर से वीडियो डालनी शुरू की, एक कभी महीने में 1-2 डाल दी, कभी महीने में 1-2-3 डाल दी, ऐसे ऐसे करके फिर एक दिन मुझे मेरा प्ले बटन मिला। वेट, मैं दिखाता हूँ आपको प्ले बटन मेरा। गाइस जब एमीवे और डिवाइन की बीफ हो रही थी और वो जो रैप सॉन्ग मैंने डाला, उसके बाद और 4-5 वीडियो डाली, तो उसके बाद मेरा शायद 1 लाख सब्सक्राइबर पार हो चुके थे। और फिर अब ये प्ले बटन मेरे हाथ में है। ये प्ले बटन देख के बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि 60,000 पे जब अटक जाता है बंदा, और उसके बाद इतने महीनों में जाके, मतलब 3-4 साल लगे भाई, और उसके बाद जाके। और ये आप सभी को, आप में से कईयों को जानते होंगे इसको, गूगल एडसेंस का ये वेरिफिकेशन पिन होता है। ये जब आपके अकाउंट में $10 हो जाते हैं एडसेंस के, तब आपके पास ये आता है। मुझे आज भी याद है, मेरे 0.0 करके डॉलर्स बढ़ा करते थे यूट्यूब चैनल पे, और एक टाइम पे मैंने यूँ सोचा था कि मैं जितना क्लिक करूँगा एड्स के ऊपर उतना ज़्यादा मेरा रिवेन्यू होगा। लेकिन मैंने फिर आगे जाके देखा कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इससे, कि एडसेंस बैन हो जाता है खुद की ऐड पे खुद क्लिक करने से, तो फिर मैंने वो गलती भी सुधारी, और उसके बाद जाके मुझे मिला ये सिल्वर प्ले बटन। देखिए गाइस आप सब देख सकते हैं, ये हर्ष गौतम मेरा ही नाम है, और मैंने हर्ष पिक्चर्स वाले चैनल से ही ये रिडीम किया था। बस वहाँ पे नाम डालना होता है कि आप अपना नाम डाल सकते हो अपने चैनल का, या कुछ भी नाम से आप इसे रिडीम कर सकते हो। ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपको अपने चैनल का ही नाम डालना है।
गाइस इसे पा के बहुत खुशी हुई, मेरे घर वालों ने भी देखा। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरे को जब हुई थी जब मेरे पास गूगल एडसेंस का वेरिफिकेशन कोड आया था और मैंने मेरे पेरेंट्स को दिखाया था। उनको इतना कुछ विश्वास नहीं हुआ था उस टाइम में, मुझे भी नहीं था कि यूट्यूब से अर्निंग वगैरह होती है। वो अभी तक संभाल के रखा मैंने पिन वेरिफिकेशन, बस इसलिए कि बहुत खुशी हुई थी वो जब आया था। और उस टाइम तक मेरे यूट्यूब एडसेंस के अकाउंट में 1 लाख 1.5 लाख कुछ अर्निंग भी हो चुकी थी एड्स के थ्रू। और मेरे जो ये जो प्ले बटन है इसको देख के भी बहुत सारे मेरे पेरेंट्स खुश हुए और बहुत सारे लोग खुश हुए और रिलेटिव वगैरह सब खुश हुए। उसके बाद गाइस मेरे को जब स्पॉन्सरशिप मिला करती थी, एक दो स्पॉन्सरशिप मिली मुझे कोई ऐप का रिव्यू करने के, लेकिन मेरा पेपाल अकाउंट नहीं था ना, मेरे में इतना दिमाग था। तो मैं 5,000 की स्पॉन्सरशिप, 1,000 डॉलर की स्पॉन्सरशिप इनको ऐसे ही छोड़ देता था। मैं सोचता था बहुत छोटी चीज़ है, और अगर उन्हें भी लिया होता तो 2-3 मतलब 15,000 कुछ की स्पॉन्सरशिप मैंने ऐसे ही छोड़ दी, क्योंकि मेरा पेपाल अकाउंट नहीं था। और भाई वीडियोस बनाते हुए मेरी अर्निंग भी होती रहती थी एडसेंस में, 1-1 लाख 2 लाख ऐसे कुछ रिवेन्यू हो गया था, 2 लाख कुछ। और मेरे जो पापा का अकाउंट है SBI का, उसमें स्विफ्ट कोड नहीं था, और इसको रिडीम करने के लिए स्विफ्ट कोड चाहिए होता है। तो गाइज स्विफ्ट कोड के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, 1 साल तक मेरे को कहीं पे भी स्विफ्ट कोड नहीं मिला कि मेरे पापा के बैंक के अकाउंट में। मतलब बहुत सारी जगहों पे मैंने ढूंढा कि कहीं से स्विफ्ट कोड मिल जाए, नहीं मिला। फिर अगले साल जाकर के फिर मैं ऐसे एक बार ICICI बैंक में चला गया था जीन की, और वहाँ पे जाके मुझे मिल गया स्विफ्ट कोड। और उसके बाद वहाँ पे कंडीशन थी कि 10,000 आपको जमा कराने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपके निकलेंगे। मतलब 10,000 डालने के बाद अपने पैसे निकलवा सकते हो आप। तो हमने 10,000 पैसे डलवाए उसमें, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये अर्निंग कहाँ से आई है, तो उनको प्रूफ देना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि वेबसाइट से आई है या कहाँ से आई है। तो ऐसे करके बताया, और उसके बाद मनी जब आई तो बहुत खुश हुए पेरेंट्स। मेरे को कोई यकीन नहीं हो रहा था, और मेरे को खुशी भी हुई थी थोड़ी बहुत कि हाँ मेरे को इतने सारे पैसे मिले। लेकिन वो बात नहीं है, मुझे पैसे से इतना इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को इंटरेस्ट था वीडियोस बनाने में। आज भी बताऊँ तो वो जो 2 लाख रुपए आए थे मैंने डिपॉजिट करवा दिए थे मेरे पापा को दे के, वो डिपॉजिट हो गए, मैंने उनका एक भी यूज़ नहीं किया। मेरा वो नहीं है, मेरा ड्रीम तो था एक DSLR लेना, लेकिन फिर मैंने सोचा कि DSLR किस काम में आएगा मेरे इतना खास, मेरे को किसी का फोटो शूट वगैरह नहीं करना होता, तो बस दोस्त वगैरह मांग लेंगे तो इसी काम आएगा, तो मैंने लिया ही नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ों की मेरे को ज़रूरत थी, मतलब ट्राईपोड, ये ट्राईपोड एक अच्छा फ़ोन, क्योंकि मैं सेकंड हैंड फ़ोन ही यूज़ करता आया हूँ बस। तो ट्राईपोड लिया एक मैंने, गोरिल्ला ट्राईपोड, जो कि इतना खास नहीं रहा, कुछ टाइम बाद वो थोड़ा सा गलने लग गया था, उसका प्लास्टिक का था ना वो गोल गोल। और फ़ोन मेरे पास सेकंड हैंड लेता रहता था, तो कुछ टाइम बाद जब मैं MET में आया, MET यूनिवर्सिटी गुड़गांव, वहाँ पे मेरे दोस्त मिले नए अलग अलग तरीके के, तो मेंटेलिटी चेंज हुई, वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत रिकवर हुआ जो पहले से डिमोटिवेटेड था। उसके बाद एक नया फ़ोन लिया, OnePlus 7, जिसने जिससे मेरी बहुत सारी यादें हैं, मतलब बहुत मज़ा आया इस फ़ोन के साथ, मतलब बिल्कुल भी हैंग नहीं हुआ, अच्छा खासा चलता है। तो गाइज ये मेरे को अभी आपका बिल्कुल सपोर्ट चाहिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना ये, तो चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो, क्योंकि अब मैंने जो गलतियाँ की हैं मैं उनसे और यूट्यूबर्स को सुधारना सिखाना चाहता हूँ, और सुधारना चाहता हूँ कि वो ये गलतियाँ ना करें, ताकि उनकी लाइफ एकदम ईजी हो जाए, मतलब वो यूट्यूब चैनल के चक्कर में अपनी लाइफ ना बर्बाद कर बैठे। मेरे को आज व्यूज़ नहीं आ रहे तो उस बात का बहुत दुख है, लेकिन आई बिलीव कि अब मैं प्रॉपरली कंसिस्टेंटली और बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, तो आप सब ज़रूर सपोर्ट करोगे। एंड थैंक्स थैंक्स टू ऑल माई फ्रेंड्स, जितने मतलब फ्रेंड्स रिलेटिव, और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि तू वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा है। तो गाइज ये आ चुकी है वीडियो, सपोर्ट करना, अपने सभी के साथ शेयर करना, और बस मिलता हूँ एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।
थैंक यू।